डिजिटल में स्वागत है। हम लोग आज सेकेंड डे है केबल टीवी शो का और हमें दो जेन जी मिले जो लोग ब्रॉडबैंड के बिजनेस में एंट्री किए हैं, तो जेन जी भी इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो मैं उनसे आपको ये बताने का चेष्टा करूंगा कि जेन जी भी इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है और उनका जो मैंने उनके जो पिताजी थे वो इसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। अभी भी वो केबल टीवी में काम करते हैं, केबल टीवी का वो बिजनेस देख रहे हैं और ये लोग ब्रॉडबैंड देख रहे हैं। तो चलिए इन लोगों से बात करके चीज़ को समझते हैं। पहले मैं स्टार्ट किया लॉकडाउन से, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ तब से। कहा बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन वर्क को गेमिंग सब स्टार्ट है, तब क्या हो रहा था, मेरा जो फादर है ना वो कनेक्ट नहीं कर पाता, मैं कस्टमर सपोर्ट नहीं दे पाता, उसके साथ केबल भी है नेट भी है, तो तब मेरा एंट्री हुआ ब्रॉडबैंड के साथ। अच्छा, तो मतलब आपका गेमिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है इसका? हाँ, गेमिंग में इंटरेस्ट। तो आपका गेमिंग भी ये करते हो? नहीं, स्ट्रीमिंग में नहीं करता। स्ट्रीमिंग नहीं करता, मतलब इंटरेस्ट है, मतलब इसके चीज़ को टेक्निकल जानते हो। हाँ। मतलब आप जो जेन जी जनरेशन है उनके नीड को समझते थे तो आपने उसमें एंट्री किया। तो आप क्या, मतलब आप दूसरा क्या, आप दूसरे कुछ और भी करते हो या सिर्फ इसी में इन्वॉल्व? इसी में। और मेरा, और आप क्या पढ़ाई भी कर रहे हो अभी? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या पढ़ते हैं अभी? क्या पढ़ाई? थर्ड ईयर चल रहे हैं। थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर किस चीज़ में? मैंने जनरल। अच्छा, मैंने आप डिग्री कर रहे हैं? हाँ। डिग्री ले रहे हैं अभी, कॉमर्स से पढ़ रहे हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, कॉमर्स से पढ़ रहे हैं और साथ साथ अपने फादर को सपोर्ट। तो आगे आप क्या क्या लगता है कि इस बिजनेस में ऐसा है कि आप इसको एज ए करियर चूज कर सकते हैं? हाँ, ग्रोथ तो है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है अभी भी, जैसा ये पैकेज अपडेट हो रहा है, OTT आ रहा है अभी, तो अपडेट है, ग्रोथ भी है। तो जैसे मान लीजिए कि आप किस कंपनी का इंटरनेट चलाते हैं? एलायंस ब्रॉडबैंड एंड BSNL। अच्छा, एलायंस ब्रॉडबैंड और BSNL का नेट चलाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप जो बिजनेस का सपोर्ट दे रहे हो, ठीक है, और आपके जो प्रीवियस जनरेशन, आपके जो पिताजी हैं वो भी इस बिजनेस में, तो उनको जो चैलेंज आता था वो आप चैलेंज को अभी सॉल्व कर दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि लेटेस्ट जो लोग का रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो और जो भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो लोग कैसे इस प्रॉब्लम में, देखिए बहुत लोग हैं जो अपने बच्चों को लेकर नहीं आना चाहते हैं या फिर उनके बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे, वो क्या करके जो आज के जो युवा हैं उनका इंटरनेट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके? देखिए, मेरा फैमिली जो बिजनेस फैमिली है, मैं जो छोटा सा तब से मैं बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, मतलब कैसे कस्टमर हैंडल करना होगा, कैसे क्वेश्चन का आंसर देना होगा कस्टमर का, ऐसे मेरा इंटरेस्ट है और मैं ठीक ठाक है। आप दूसरों को मैसेज दीजिए कि वो लोग कैसे समझाएं या वो लोग कैसे अपने आज के कस्टमर के नीड को फुलफिल करें, मान लीजिए जिनका नहीं जनरेशन आना भी चाहता है, वो कैसे समझाएं, वो पहले कैसे तैयार? पहले नॉलेज चाहिए इंटरनेट के ऊपर, ब्रॉडबैंड कैसे कनेक्टिविटी होता है, कैसे कस्टमर सपोर्ट, पहले नीड समझे। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग का जो MFT, देखिए हम लोग जो ये चैनल स्टार्ट किया है, तो इससे आपको लगता है कि कोई फायदा मिलेगा उन लोगों को? फायदा तो उन लोग ये पता चलेगा क्या अपडेट आ रहा है नेटवर्क, ये उसको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आप भी देखिए, इनके पास में ही एक और है, क्या नाम होता है आपका? मेरा नाम वाणी विकास महापात्र है। तो आपने, आपका भी सेम सिचुएशन है, आप भी, आपके जो लास्ट जनरेशन है वो आपको ब्रॉडबैंड का बिजनेस दे दिए, आपका एक्सपीरियंस कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुई, ये बताइए। हाँ, मेरा भी जर्नी लगभग लॉकडाउन से ही शुरू हुआ है, लॉकडाउन से ही मैं इस बिजनेस में घुसा हूँ। तब से मैं, मेरा पिताजी केबल के बिजनेस देख रहे हैं और मैं ब्रॉडबैंड की बिजनेस जो है वो मैं देख रहा हूँ। तो आपका किस किस तरह का चैलेंज है? चैलेंज मतलब मैं भी पढ़ रहा था जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद घर में आ गया तो मैंने देखा। दरअसल बात यह है कि बचपन से ही मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस हो रहा है, बचपन से ही तो इंटरेस्ट तो था बिजनेस में, और स्पेशली नेटवर्किंग में और इंटरनेट में मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं ठीक किया कि नहीं मैं इसी बिजनेस में ही मेरा करियर। जो आज के जो पढ़े लिखे युवा है उनको ये लगता है कि ये भैया हाथ गंदा करने वाला काम है, ठीक है, तो आप क्या उनको मैसेज देंगे? नहीं, बात बिल्कुल ऐसा नहीं है, हाथ गंदा करने का कोई बात नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप 4 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, ये तो गर्व की बात है कि आप 4 लोगों को नौकरी दे पा रहे हैं, हाँ, तो ये तो गर्व की बात है। तो आप जो अपने जैसे युवा लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे जैसे युवा लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, स्पेशली ब्रॉडबैंड के लिए अगर पूछे तो, ब्रॉडबैंड की ये शुरुआत है हमारा, अभी देखिए केबल का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, ब्रॉडबैंड का उसके आसपास भी नहीं है, पर मुझे ये लगता है कुछ दिन बाद जो केबल का जितना कस्टमर है ब्रॉडबैंड में भी उतना ही पोटेंशियल।
किया गया, हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा। अभी बढ़ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल इसमें फ्यूचर तो है, बिल्कुल फ्यूचर है, कंपटीशन भी है, फ्यूचर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा देखिए सर, अभी दोनों भाइयों ने, जो बांकुड़ा के दोनों बच्चे हैं, ठीक है, इन्होंने जो बताया बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, और इनके बाद से हमें ये समझना चाहिए कि ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री और बूम करेगा, और जो लोग जियो और एयरटेल से पेनिट्रेशन से डरते हैं ऐसा सोचने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये लोग जितने भी आ जाएं, क्योंकि आज के रेट में देखिए कि अभी भी जो ब्रॉडबैंड यूजर की संख्या बहुत कम है, अभी भी हम लोग का 4-5% मैंने 8% गवर्नमेंट डेटा जो बोलता है उससे भी कम है, इतने लोगों पर ये चीज़ ना 40-50% हाउस होल्ड में आने वाले 3-4 साल में पहुँचने वाला है। तो आप लोग डरे मत, डटकर बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। धन्यवाद, और भी हम वीडियो अपडेट देते रहेंगे, आज सेकेंड डे है और कल भी, और जो लोग अभी आए नहीं है केवल टीवी शो में जरूर से आएँ, और हमारा जो स्टॉल A08 आके हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।